गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आरआरबी 2019। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। हमारे पास 12 क्रैनियल नर्व्स है, उसमें से यहाँ पूछा है कि कौन सी क्रैनियल नर्व है जो स्मेल के लिए हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टिक नर्व, सेकेंड ऑल्फैक्टरी नर्व, थर्ड वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व एंड लास्ट ऑकुलोमोटर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो हमें सेंस ऑफ स्मेल के लिए हेल्प करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी कौन से डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? तो फोटोथेरेपी का दूसरा नाम है लाइट थेरेपी, जिसमें लाइट प्रोवाइड करते हैं और डिसीज़ ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है साइनोसिस, सेकेंड है एक्जिमा, थर्ड डायरिया एंड लास्ट जॉन्डिस। एंड करेक्ट ऑप्शन इज जॉन्डिस। जॉन्डिस जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, वो जो है वो फोटोथेरेपी का यूज़ करके ट्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर साइट हेडनेस इज अल्सो नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन मायोपिया, सेकेंड प्रेसबायोपिया, थर्ड हाइपरमेट्रोपिया एंड लास्ट कैटरेक्ट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन फूड वेस्टेज, सेकेंड डेड एनिमल्स, थर्ड पॉलीथीन बैग्स एंड लास्ट पेपर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीथीन बैग्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये पॉलीथीन बैग्स, और ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी ये जो है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बायोडिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है उन सब्सटेंस का, और वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका ब्रेक डाउन करते हैं और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन पॉलीथीन बैग्स ऐसा मटेरियल है जिसमें जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द। ऑक्सीडेशन में क्या होता है ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन लॉस ऑफ नाइट्रोजन, सेकेंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लास्ट गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, गेन ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान ये हमारे इसमें है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, जिसमें पूछा है हमें कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1951 to 1956। 5 ईयर प्लान है इसलिए 51 से 56 तक रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैमिली वेयर द मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड पजेसिस ऑल पावर्स इज कॉल्ड। उस फैमिली को क्या कहेंगे जहाँ मेल क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है और उनके हाथ में सभी पावर्स हैं। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, देन सेकंड है मैट्रियाकल फैमिली, थर्ड है जॉइंट फैमिली एंड लास्ट है पैट्रियाकल फैमिली। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी।
patriarchal family. The next question. The couple who are married in a reproductive age is known as. उस कपल को क्या कहेंगे जिन की मैरिज प्रॉपर प्रीप्रोडक्टिव एज में हुई है. फर्स्ट फोकस्ड कपल, सेकेंड अनफोकस्ड कपल, थर्ड नॉन एलिजिबल कपल एंड लास्ट एलिजिबल कपल. तो उसे हम कहेंगे एलिजिबल कपल क्योंकि वो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एज में मैरिड हुए हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which principle of management states that the employees should receive orders only from superior? ऐसा कौन सा principle है management का जिसमें वो बताता है उस principle में कि employees जो है वो सिर्फ superior से ही order लेंगे बाकी किसी से नहीं. तो इसका correct option है पहले देख लेते हैं. कंप्रेंशन, सेकेंड यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड फ्री रेन डायरेक्शन एंड लास्ट इफिशियंसी ऑफ डायरेक्शन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल के अंडर ऐसा बताया है कि एम्प्लॉयज़ जो है सिर्फ सुपीरियर से ही ऑर्डर लेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The most common type of the stone that occur in nephrolithiasis is. Nephrolithiasis में जो most common type of stone है वो कौन सा है. Nephrolithiasis का second name क्या है. Kidney stone. और इसमें पूछा है कि कौन सा common type है stone का. तो first है struvite stones, second calcium stones, third uric acid and last cystine stones. And correct option is calcium stone is most common type of stone in nephrolithiasis. The next question. The term MRSA in bacteriology stands for. Bacteriology है means कहीं ना कहीं microbiology से related है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या पूछा है MRSA. तो MRSA का फुल फॉर्म पूछा है. तो फर्स्ट ऑप्शन मिथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफिलोकोकस एरियस, सेकेंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एरियस, थर्ड मिथिलिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एंजिनोसस एंड लास्ट मिथिलिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एरियस. एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. मिथिलिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एरिस. तो ये क्या है. ये एक स्टेन है जो हम कब यूज़ करते हैं जब हमें स्टेफिलोकोकस एरिस का ऑब्जर्वेशन करना होता है तब. मिथिलिसिलिन रेजिस्टेंस. Then next question. The method of helping the individual by encouraging him to discover the reason for his behavior is called. First behavioral therapy, second cognitive therapy, third individual psychotherapy and last crisis intervention. एंड 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिविजुअल साइकोथेरेपी. इस थेरेपी में हम क्या करेंगे पर्सन का जो बिहेवियर है उसे इम्प्रूव करेंगे चेंज करेंगे पर्सन का जो इम्प्रॉपर बिहेवियर है उसे नॉर्मल बिहेवियर में चेंज करेंगे थ्रू इंडिविजुअल साइकोथेरेपी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. The first menstrual flow begins at the puberty and it is termed as. First menstrual period जो होता है puberty में start तो उसे क्या कहते हैं. तो first option menarche, second menopause, then menostart and none of the above. And correct option is menarche.
मेनार्क मीन्स क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है तब, और जब स्टॉप होती है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सीएससी के अंडर कितनी पॉपुलेशन कवर्ड होती है ये पूछा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 80,000 to 1,20,000। तो उसमें 80,000 जो है वो ट्राइबल एंड हिली एरिया में पॉपुलेशन रहती है सीएससी की 80,000, एंड 1,20,000 जो है वो प्लेन एरिया की पॉपुलेशन रहती है फॉर सीएससी। एंड सीएससी में क्या है, 30 बेड्स अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नर्सिंग नॉलेज। फर्स्ट ऑप्शन अथॉरिटी, सेकेंड ट्रेडिशन, थर्ड ट्रायल एंड एरर, एंड लास्ट साइंटिफिक रिसर्च। तो हमें पूछा है अगर हमें नर्सिंग नॉलेज गेन करना है तो सबसे रिलायबल मेथड कौन सी रह सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइंटिफिक रिसर्च। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली रिसर्च करते हैं, और उससे क्या होता है, जो प्रैक्टिस चल रही है उससे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके हम क्वालिटी केयर दे सकते हैं। तो नर्सिंग में नर्सिंग नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए रिसर्च इज़ द बेस्ट मेथड, वो भी साइंटिफिक।